हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, ईसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों के परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किस कोर्स के एग्जाम किस तरीके से आएंगे, कितने आपको प्रश्न करने हैं, कितने आपको प्रश्न छोड़ने हैं। ये सारे निर्देश कॉलेज और स्टूडेंट दोनों को फॉलो करने हैं और जो भी निर्देश यहाँ पर बताए गए हैं वो आप लोगों को एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एग्जाम हॉल में जो टीचर वो एक्सप्लेन करेंगे और आप लोगों को पूरी तरीके से समझाएंगे कि आप लोगों को एग्जाम में कितने प्रश्न करने हैं और कितने छोड़ने हैं। जो भी दिशा निर्देश हैं वो पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइज, यहाँ पर वही नोटिस मैं आप लोगों को शो करूंगी जो कि अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज किया गया है कॉलेज और स्टूडेंट दोनों के लिए। तो गाइज, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो वीडियो को फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दे जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चले गाइज, फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, सीसीएस यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस और स्टूडेंट के लिए परीक्षाओं के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए, आप लोग डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पे 29/6/2021 राइट है। इस नोटिस में यही बताया गया है कि आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या निर्देश हैं जो कॉलेज को और स्टूडेंट को फॉलो करने हैं, मतलब आप लोगों को एग्जाम में कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन नहीं करने हैं और किस तरीके से आपके एग्जाम की प्रक्रिया कराई जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला पॉइंट तो वही ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जितने भी अंतिम वर्ष के पेपर ऑब्जेक्टिव होते थे उसमें अब 100 की बजाय 75 प्रश्न करने हैं, आप लोगों का एग्जाम 1.5 घंटे का हो गया है। ये सेकंड नोटिस है, सेकंड नोटिस आप लोगों के सब्जेक्टिव एग्जाम से रिलेटेड है। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके लास्ट ईयर के एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, तो वो यहाँ बताया गया कि उनके भी एग्जाम अब 1.5 घंटे के होंगे और उनको अब प्रश्नों को करने में थोड़ी सी छूट मिलेगी और वो कितने प्रश्नों को कर सकते हैं, कितने प्रश्नों को नहीं कर सकते हैं ये एग्जाम हॉल में जो टीचर है वो उन्हें बता देगा। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट गाइज, एमए सेकेंड ईयर केवल प्राइवेट स्टूडेंट गणित के लिए है जिसका कोड 451460 है, ठीक है, उन लोगों का भी एग्जाम जो है वो अब 1.5 घंटे का कर दिया गया है और प्रश्न उन्हें अब 10 में से 2 करने हैं। पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का एमए सेकंड ईयर केवल प्राइवेट के लिए रक्षा अध्ययन जिसका कोड है G496। एग्जाम आप लोगों का 1.5 घंटे का होगा, 10 में से 2 ही क्वेश्चन करने हैं और यहां पर कोई भी क्वेश्चन करना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है बीएससी थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस के लिए जिनका कोड 397 B398 B399 है, ठीक है, यहाँ पर भी उनका जो एग्जाम है वो 1.5 घंटे का होगा। पेपर आपका 5 खंड में बटा हुआ होगा। पहला खंड आ जो है वो लघु प्रश्नों से रिलेटेड होगा, 10 में से 5 प्रश्न करने होंगे। खंड ब और सा में से कोई एक प्रश्न करना है जो कि विस्तृत है और खंड द और ई में से कोई एक प्रश्न करना है वो भी विस्तृत है, ठीक है। गाइज, इसी तरीके से यहाँ पर सभी कोर्सेज के बारे में बताया हुआ है। ये सारे ही पॉइंट्स मैं आप लोगों को पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 23 तारीख को अकेडमिक काउंसलिंग की एक बैठक हुई थी जिसमें इन सारे पॉइंटों पर निर्णय लिया गया था और यही रिजल्ट वहाँ पर निकला था। तो मैं ये सब पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पर दोबारा सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग उस वीडियो को देखकर सब कुछ अच्छे से समझ सकते हैं और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इस वाले नोटिस के सारे ही पेजेस के पिक्चर आप लोगों को इंस्टा एंड फेसबुक के पेज पर मिल जाएंगे, लिंक आप लोगों को दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगी। तो फिर चलिए गाइज, आज की वीडियो अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।